एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, तो अपने पास अपने 6 नंबर्स हैं, उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट पता करने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर फाइंड करना आपको, तो ये 4 रूल्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या रूल्स है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी 1, 2, 9 जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, जीरो को छोड़ के नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। ओके, सेकंड क्या है? जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट अपियर बिटवीन टू नॉन जीरो, यानी जीरो, वैसे फर्स्ट में अपन ने देख लिया कि जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है? जो नॉन जीरो के बीच में आता है। ठीक है, जैसे 2, 0, 2, ये जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। ओके, थर्ड देखो, लीडिंग जीरो और द जीरो प्लस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी लीडिंग मतलब स्टार्ट करने वाला। ठीक है, और द जीरो प्लस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो, यानी कोई भी नॉन जीरो, जैसे ये मेरा 2 है वो नॉन जीरो है, इससे पहले अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, लेकिन जो जीरो लेफ्ट में आता है, किसके? नॉन जीरो के लेफ्ट में आता है, और वो लीडिंग हो, लीडिंग मतलब पहले हो, तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट कौन होगा? बाद में आएगा वो। देखो, ट्रेलिंग जीरो और द जीरो प्लस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, इसका अपोजिट है। अगर आपने 1, 2, 3 याद कर लिया तो फोर्थ की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 का अपोजिट है। ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाला जीरो, जैसे ये 2, 0, तो अब ये जीरो है वो ट्रेलिंग जीरो, यानी बाद में आ रहा है, किसके? राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट है, वो नॉन जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आता है वो सिग्निफिकेंट है, पहले आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाद में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। ओके, अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। ए पर ए में क्या पूछा? 0.007 मीटर स्क्वायर। ओके, देखो, नॉन जीरो डिजिट कौन है? 7, ये अपना सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। ओके, 1, ये तीनों जीरो पहले आ रहे, और ये क्या? लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये तीनों जीरो लीडिंग है ना, तो तीनों सिग्निफिकेंट नहीं, यानी इसमें नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? सिर्फ 1, कौन? 7। ओके, बी में देखो, बी में क्या है? 2.64 × 10^24 kg। ओके, तो देखो, 10^24, ये अपना सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। इनको देखो, 4, 6, 2, तीनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, तो तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ? 3। ओके, सी पार्ट में क्या है? सी में है अपने पास 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अपनी कोई डेंसिटी दे रखी है। ओके, तो देखो, 2, 3, 7 सिग्निफिकेंट है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। ओके, जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट अपियर बिटवीन, बिटवीन कोई है ही नहीं है। ओके, और ये पहले लीडिंग जीरो ये है जो सिग्निफिकेंट नहीं है, और ट्रेलिंग जीरो ये है जो सिग्निफिकेंट है, तो 3 + 1 कितना? 4 हो गए, तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। ओके, डी में देखते हैं, डी में क्या है? डी में अपने पास है 6.320 जूल। ओके, तो देखो, 6, 3, 2 फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट है, और 0 फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये ट्रेलिंग लास्ट वाला 0 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 4। ओके, ई में देखते हैं, ई में क्या है? 3.2 है, 3.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 6, 3, 2 तो सिग्निफिकेंट है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, और ये सेकंड रूल के अकॉर्डिंग 0 सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 4। ओके, ई एफ में देखते हैं, एफ में क्या है? 0.00060 मीटर स्क्वायर, कोई एरिया दे रखा है। ओके, देखते हैं, देखो, 3, 3, 2, 6 ये सिग्निफिकेंट है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, और 0 सिग्निफिकेंट है सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों जीरो के बीच में आ रहा है, और ये तीनों चारों सिग्निफिकेंट नहीं है, किस रूल के अकॉर्डिंग? थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, राइट। तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4। तो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट पता करना है, तो ये 4 रूल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चौथा तो किसी काम का नहीं, अगर आपने तीसरा याद कर लिया तो चौथा उसका अपोजिट ही है।